मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक छोटे से संदेश के द्वारा आपसे मिलना मुझे बहुत बेहद खुशी की बात है। हर दिन आपसे मिलना बहुत ही बड़ी भाग्य की बात है। हर एक दिन पवित्र आत्मा के साथ आप भी और मैं चल रहे हैं और परमेश्वर प्रतिदिन सही वचनों को हमें दे रहा है। हम सबको बहुत ही तसल्ली की बात है और आशीष की बात है। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करता हूं, दूसरी बात आप जैसे परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आप इन संदेशों को सुनकर सामर्थ्य पाते हैं, यही मेरी आशा है। इस संदेश को सुनने के बाद आशीष पाए, उससे बढ़कर एक आशा है। एक और आशा भी है कि आप दूसरों को जरूर इसे शेयर करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, तब प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुबह हर दिन पवित्र आत्मा के साथ ये छोटा संदेश आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है, चला देखते हैं। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय और 5वां वचन, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। बहुत ही मुख्य शब्द है यहां पर। प्रेरित पौलुस के हाथ में मिलिता द्वीप में जब वे बचकर वहां पर किनारे पे तट पर पहुंच गए, तब अचानक एक सांप उसके हाथ को आंच पाकर उसे पकड़ लेता है। सभी उसे कह रहे थे, पर वो बहुत ही आसान रूप से जो उसे झटक देता है, उसे झटका देता है और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। आज सुबह परमेश्वर की आवाज मालूम है क्या है, जिन जिन चीजों को आपको झटक देने का है उसे झटक दो। इस समय में यह मत पूछो कि हे परमेश्वर मुझे सामर्थ दो कि मैं झटक दूं। नहीं नहीं, उसने कह दिया कि तुम झटक डालो है बीमारी को, खड़वापन, पिछले जो संपर्क हैं उन सभी चीजों को तुम झटक दो, तुम्हें झटकना होगा। झटकने के लिए हे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दो, ऐसा मत पूछो, अगर तुम झटकोगे तो वह चला जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सोच रहे हो कि ये हमसे नहीं जाएगा, हमारे पास से नहीं जाएगा, क्या आजकल की बात है, क्या कब से हमारे साथ है, ऐसा सोचेंगे। पर परमेश्वर आपको कहता है, परमेश्वर की आवाज यह है, पवित्र आत्मा की आवाज यह है कि वो तो एक धूल है, जो तुम सोच रहे हो उतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसे तुम झटक दो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। अगर तुम झटकोगे तो मैं तुम्हें बढ़ाता रहूंगा। उसने झटका और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची, यही परमेश्वर का वचन है। क्या आप झटकने के लिए तैयार हो? पुराने कष्ट, पुराने आंसू, पुराने कड़वापन, पुराने वैराग्य, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, चिंता मत कीजिए, उसे झटक डालो। आज पूरा दिन देखिए, परमेश्वर आपको आनंद से भरपूर करेगा, आपके हृदय में आनंद भरा रहेगा। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपको क्या करना चाहिए मेरे साथ मिलकर, हे परमेश्वर मैं झटकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ऐसा प्रार्थना कर दें। प्रार्थना करें, हमारे पवित्र परमेश्वर, तेरा सेवक होने के नाते मैं हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा तेरे बच्चों को जो वचन तूने दिया है मैंने बोल दिया है, तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वे झटक देंगे, अंगीकार करते हैं कि अब वो झटकने के लिए तैयार है। परमेश्वर तेरे बच्चों को सामर्थ्य से भरपूर कर, उत्साह से भरपूर कर। आज पूरा दिन आश्चर्य पूर्वक तूने चला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह संभालते रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। फिर कल मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com।
परमेश्वर आपको आशीष दे।